हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या। सौम्या आज किचन में आपका स्वागत है। आज बनाने ब्रेड ढोकला भी है और खमन ढोकला भी है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। आप जरूर बना करके देखें, झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड खमन ढोकला, क्रीमी चीजी वाला एकदम। इसके लिए मैंने ये बाजार वाला जो ढोकले का मिक्सर आता है वो लिया है। 1 कप मिक्सर है बेसन का। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके घोल बना करके रख देंगे। 1/3 कप पानी डाला है इसमें और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जरूरत होगी तो पानी और डाल देंगे, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। इसमें मैंने 1/3 कप पानी, 1/3 कप पानी दो बार डाला है। पूरा पानी इसमें मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। कटोरियों में हम ढोकला बनाएंगे और मैंने ये ली है ब्रेड। जितनी बड़ी आपकी कटोरी हो उस हिसाब से आप ब्रेड ले लें, या आप ब्रेड को कट कर लें और ये ब्रेड को इस तरीके से कटोरी में लगा देंगे। कटोरी में पूरी अंदर फिट हो जानी चाहिए ब्रेड। ये देखिए, ब्रेड को बेला नहीं है, फ्लैट नहीं किया है ब्रेड को, सिंपल ब्रेड है। अब एक बाउल लेंगे, बाउल में डालेंगे शिमला मिर्च 1 टेबल स्पून। जो भी आपको सब्जी पसंद हो आप डाल सकते हैं। एक ग्रीन वाली शिमला मिर्च है, येलो शिमला मिर्च 1/2 टेबल स्पून, रेड शिमला मिर्च 1/2 टेबल स्पून, महीन कटी हुई प्याज 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून। अब इसमें डालेंगे कॉर्न 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, बिल्कुल चुटकी भर नमक डाला है आप देख सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज डालेंगे जिससे कि एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा, बहुत टेस्टी लगता है। टेस्ट के लिए चिली फ्लेक्स डालेंगे, जितना आपको पसंद हो तीखा। 1/2 टीस्पून के करीब पिज्जा सीजनिंग या ओरेगानो डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, मिक्स कर देंगे। कितनी क्रीमी फिलिंग बन करके तैयार हो गई है आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून मोजरेला चीज, या चीज अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। मिक्स कर देंगे चीज को भी, फिलिंग बन करके तैयार हो गई है। ब्रेड लगाने से पहले कटोरियों को ग्रीस करेंगे, बटर से या घी से या तेल से, जैसे भी चाहें आप कटोरियों को ग्रीस कर सकते हैं। बटर से ग्रीस कर रही हूँ कटोरियों को, सभी कटोरियों को ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर फिलिंग को भरेंगे, थोड़ी थोड़ी सी हल्का सा दबा देंगे। करीब 1 टेबल स्पून फिलिंग को रखा है आप देख सकते हैं, और हल्का सा प्रेस कर देंगे इसको इस तरीके से। अब जो ढोकले का घोल बनाया था उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इस तरीके से मिक्स करेंगे और पूरे पे फैला देंगे। इस तरीके से ढोकले के घोल को कटोरियों में भर देंगे और स्टीम करने के लिए रखेंगे। ढक देंगे, 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे ढोकले को। 4-5 मिनट तक फुल फ्लेम पर स्टीम करेंगे, फिर उसके बाद गैस को स्लो कर देंगे। 4 से 5 मिनट तक स्लो हीट पर स्टीम करेंगे। आप चाहें तो फिलिंग में पनीर भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे पीस करके। करीब 8-10 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढोकले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम क्लियर आ रहा है। इडली अच्छी तरीके से स्टीम हो चुकी है आप देख सकते हैं। कटोरी को निकाल लेंगे, 5 मिनट ठंडा होने देंगे, उसके बाद कटोरियों में से ढोकले को निकाल लेंगे। जब तक ढोकला ठंडा हो रहा है तब तक एक छौंक बना लेते हैं। छौंक बनाने के लिए गैस पर एक छौंक बनाने वाला पैन रखेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, करीब 2 टीस्पून। जितने आपके ढोकला हो उस हिसाब से आप ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे राई। राई चटकने लगी है, गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद डालेंगे करी पत्ता और थोड़ी सी लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होती है उसको कट करके डाल दिया है। अभी हल्का सा ठंडा हो गया है, हल्का सा छुरी की सहायता से इसको अलग कर लेंगे। कटोरी को उल्टा कर देंगे, ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल आता है ये, और एकदम सॉफ्ट। ये देखिए इतना अच्छा इडली ढोकला बन करके तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा छौंक, करी लीव्स पूरे में फैला देंगे और इसी तरीके से सभी ढोकला को निकाल लेंगे। अब इसको कट करके दिखाती हूँ मैं आपको, कितना सॉफ्ट है आप देख सकते हैं। ये देखिए चीजी क्रीमी, बहुत ही टेस्टी स्पंज ढोकला बन करके तैयार हुआ है। एकदम नए तरीके का नाश्ता है, आप जरूर बना करके देखें। खमन ढोकला बन करके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय, फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।